नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की एक बेहतरीन सीरीज़ हिस्टोरिकल टर्म्स में। यहां पर हम इतिहास से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण शब्दों की आपको एक व्यापक समझ देंगे जिनसे आपकी इतिहास के विषय में रुचि व एक व्यापक समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। यह सीरीज़ प्रतिदिन सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार आएगी। ठीक है, डेली एक वीडियो अपलोड होगा, तो प्लीज़ इस सीरीज से जुड़िए, चैनल से जुड़िए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा शब्द है फेयंस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फेयंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो फेयंस है ये हड़प्पा सभ्यता के समय में शिल्पकला में चीज़ों को बनाने के लिए प्रयोग होने वाली एक मटेरियल था। तो ये बनता कैसे था, तो वह उसकी चर्चा हो रही है। फेयंस होता क्या है, तो पत्थर और शंख जो थे वो तो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता था, मतलब कुछ चीज़ों को मिला के बनाया जाता था। तो यहाँ पर लिखा है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू यानी कि रेत, स्फटिक पत्थर एक क्वार्ट्ज नाम का, इंग्लिश में अगर क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, पत्थर आता है चमकीला सा जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके चूर्ण को और रेत को मिलाकर और उसमें गोंद मिलाकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इससे और भी वस्तुएं बनाई जाती थी। तो उनको वस्तुओं को बनाते थे, फिर उसका शेप देने के बाद यानी उसको आकार देने के बाद उस पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री और भी कई रंग होते थे। ठीक है, यहाँ पर दो दिए हैं इन्होंने, और तो ये तो वही पूरी चीज़। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि इससे क्या बनाते थे, फैन से मन के यानी कि जो माला होती है तो उसमें जितने ही प्रकार के मोती होते हैं ना, मोतियों से मन के बोलते हैं, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन और भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि तकली होती है, सूत काटने के लिए तकली का चीज़ होती है, तो वो भी इसी से बनाई जाती थी, इससे भी बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फेयंस है वो हमें समझ में आ गया कि इन चीज़ों के चूर्ण से मिलाकर पहले बनाते थे और उस पर फिर चगनी पर चढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ये फेयंस हो गया। तो आशा करता हूँ आपको यह शब्द समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, और किसी प्रकार का आपको प्रश्न हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में छोड़िए। ठीक है, धन्यवाद।